अभी तक आपने हेरा फेरी 1, हेरा फेरी 2 को एंजॉय किया था, लेकिन अब फिल्म के मेकर्स हेरा फेरी का पार्ट 3 जल्द ही आपके सामने लेकर आ सकते हैं। कार्तिक आर्यन के फैंस के लिए थोड़ी बुरी खबर है। भूल भुलैया 2 के बाद अंदाजा लगाया जा रहा था कि इस फिल्म का पार्ट कार्तिक आर्यन भी होंगे, पर अब ऐसा नहीं है। शहजादा की नॉट सो सक्सेसफुल बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बाद बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने कार्तिक को रिप्लेस करके फिल्म में एंट्री ले ली है। अब फिल्म के तीसरे सीक्वल में आपको बाबू भैया और घनश्याम के कैरेक्टर के साथ राजू का कैरेक्टर अक्षय कुमार प्ले करते दिखाई देंगे। वेल, हेरा फेरी 20 साल पहले रिलीज हुई थी। फिल्म का सीक्वल हेरा फेरी 2 यानी फिर हेरा फेरी पहली फिल्म के 6 साल बाद आया था, और अब आ रही है हेरा फेरी 3। फिल्म का डायरेक्शन नीरज बोरा ने खुद किया है। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अक्षय कुमार ने पहले हेरा फेरी 3 के लिए मना कर दिया था। तब सुनील शेट्टी बहुत ज्यादा शॉक्ड थे। उन्होंने तो साफ कह दिया था अक्षय कुमार के साथ ही हेरा फेरी 3 बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। अब जब स्टोरी सुनने के बाद खिलाड़ी कुमार ने हाँ कर दिया है, तो सुनील शेट्टी से ज्यादा खुश तो कोई हो ही नहीं सकता। खबर तो ये भी है, सुनील शेट्टी को लेकर परेश रावल और अक्षय कुमार के साथ कुछ दिन पहले एक मीटिंग भी कर चुके हैं। इस मीटिंग में अक्षय कुमार की सारी शिकायतें दूर किए जाने की बात भी सामने आई है। वेल, अक्षय कुमार के फैंस के लिए तो ये गुड न्यूज है, लेकिन कार्तिक के फैंस थोड़े निराश हो सकते हैं। अब आपको 20 साल के लंबे इंतजार के बाद अक्षय, परेश और सुनील की तिकड़ी फिर से स्क्रीन पर धमाल मचाती हुई नजर आने वाली है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें इंडी टाइम्स। मुझे दे इजाजत, अपना रखें ख्याल। नमस्कार।